everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on diffraction of light. देखो diffraction of light क्या है? जब भी light pass करती है sharp corner से तो वो bend हो जाती है. किस तरफ को bend होती है? Towards the shadow region of an obstacle. उसे हम कहते हैं diffraction of light. क्या कहा हमने? Diffraction of light is the phenomena of bending of light around the sharp corner of an obstacle. जो भी आपका ऑब्स्टेकल है उसके शार्प कॉर्नर से जब भी लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है. और किस तरफ को बेंड होती है? वो टुवर्ड्स द शैडो रीजन ऑफ ए ऑब्स्टेकल. जो भी ऑब्स्टेकल का शैडो रीजन होगा उसकी तरफ को जो है वो लाइट बेंड हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले देखो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है. ठीक है, देखो हमने क्या कहा. मान लो यहाँ पे अगर कोई एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक आपके पास इस तरह से, यहाँ पे एक आपके पास स्लिट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक स्क्रीन का यूज कर रहे हैं. तो देखो यहाँ से अब क्या आएगी, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से आ रही है लाइट रेज इस तरह से आएंगी. ठीक है, अब देखो ये क्या है, ओपेक मटीरियल, ये भी है ना, ये ऑब्स्टकल्स हैं, यहाँ से लाइट पास नहीं करेगी, है ना, तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? बेसिकली यहाँ पे इसका, ये वाला इसका शेडो रीजन है, और यहाँ पे इस वाले का शेडो रीजन ये वाला है, है ना, यहाँ शेडो बनेगी इसकी. तो हमने क्या कहा, जब भी लाइट पास करती है किसी ऑब्स्टकल के कॉर्नर से तो वो बेंड हो जाती है. देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है, वो किस तरफ को? शेडो रीजन की तरफ को. तो देखो ये इसका शेडो रीजन, इसका शेडो रीजन कौन सा है? ये वाला, है ना, तो ये इस तरफ को बेंड हो जाएगी. और देखो जब इस वाले कॉर्नर से पास करेगी तो देखो ये वाला है शेडो रीजन, है ना, इसकी शेडो तो यहां बननी है ना, तो ये शेडो रीजन हो गया. तो ये लाइट बेंड होती है किसकी तरफ को? शेडो रीजन की तरफ को बेंड हो जाती है इस तरह से. इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर हो रहा है? जब भी देखो ऑब्स्टकल के कॉर्नर से लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है, या तो आप कह सकते हो लाइट स्प्रेड हो जाती है. कहां पे? ज्योमेट्रिकल, जो भी इसका ज्योमेट्रिकल शेडो है इन ऑब्स्टकल्स का, है ना, उसमें वो क्या कर जाती है? लाइट स्प्रेड कर जाती है. इसे हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. अब देखो ये अंडरस्टैंड करना आपको इजी होगा. द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर ऑफ ए स्मॉल ऑब्स्टकल. जब भी यहां से लाइट बेंड होती है और अपर्चर एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विद इन द, और स्प्रेड हो जाती है लाइट किसमें? विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ये क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल शेडो, इसकी वाली शेडो यहां पड़ेगी और इसकी वाली शेडो यहां पे पड़ेगी, उसकी तरफ को लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. इसे हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? देखो वैसे हमने ये जो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है ये हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देख चुके हैं. ये वाला फिनोमिना देखो वहां पे कैसे किया था ये कर. देखो ये आपके पास वहां पे इस तरह से सोर्स था वहां भी, ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, एक देखो एक स्लिट यहाँ पर थी और सेकेंड वाली स्लिट ऐसे, ये स्लिट एस वन थी और ये स्लिट एस टू थी, और यहाँ पे आपके पास क्या होती थी? स्क्रीन. क्लियर है? ओके, अब यहां से क्या आ रही थी? देखो लाइट वेव्स आ रही थी, है ना, इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास, यहाँ से वेव फॉर्म्स बनते हुए यहाँ तक रीच करेंगे, है ना. फिर क्या हुआ था देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे होगी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ये कॉर्नर है, देखो ये तो क्या है आपके पास? ओपेक मटीरियल, है ना, इसकी ये क्या है, यहाँ से तो लाइट पास नहीं करेगी, है ना, ये ऑब्स्टकल हो गया. तो इसकी शेडो कहाँ बननी चाहिए थी? यहाँ पे, ये इसका शेडो रीजन है ना, पर तो यहाँ पर तो इसकी क्या बनती है? शेडो नहीं बनती. क्यों? बिकॉज लाइट कैसे बिहेव कर रही थी? एज ए वेव. और हमने देखा था यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज, इस तरह से था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. तो देखो क्या हुआ, देखो जैसे लाइट यहाँ पे पहुंची, ये वाली जो है वेव्स, है ना, तो जब यहाँ से वेव्स जाएंगी तो हमने क्या कहा, लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, जब भी किसी ऑब्स्टकल की शार्प कॉर्नर से पास करती है तो वो बेंड हो जाती है. किस तरफ को बेंड होती है? वो शेडो रीजन की तरफ को. देखो ये वाला, इसकी शेडो कहाँ बननी थी? ये वाली, तो ये शेडो रीजन है ना, तो यहां से कॉर्नर से लाइट बेंड हो जाएगी शेडो रीजन की तरफ, इस तरफ. वैसे देखो यहां पे है ना, ये शेडो रीजन है ना, यहां पे अगर लाइट पहुंचेगी, ठीक है, यहां से लाइट जब ट्रेवल करेगी तो वो बेंड हो जाएगी शार्प कॉर्नर से किस तरफ को?
शेडो रीजन की तरफ को, इस तरफ को। देखो तभी यहाँ पे क्या मिलता था, ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, ऐसे ब्राइट और डार्क और इस तरह से होता था। तो ये वाला जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट, कहाँ से, जो भी आपके पास शार्प कॉर्नर्स हैं ऑब्स्टकल के, किसकी तरफ को, इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ एन ऑब्स्टकल, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ भी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, क्लियर। ओके अब देखो इस तरह से, मान लो अगर आप इस तरह से करते हो, ये आपने कोई सोर्स लिया हुआ है लाइट का, ठीक है। अब इस तरह से अगर मान लो आपने कोई कार्डबोर्ड लिया हुआ है, ये आपके पास कोई कार्डबोर्ड है ना, ये इस तरह से है कार्डबोर्ड, इस तरह से, और यहां पर आपने क्या किया हुआ, एक होल किया हुआ है इस तरफ से। 3D में आप इसको इमेजिन करो, यहां पे आपने इतना ये होल किया हुआ है इधर, क्लियर है। जब आप इसको स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये सोर्स है लाइट का, मान लो आपने आपने यहाँ पे टॉर्च से इसको, टॉर्च का यूज कर रहे हो यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे होल है यहाँ पे। तो जब आप इसको स्क्रीन पे देखोगे, देखो इस तरह से, तो जो ये होल है आपको ये कैसा दिखेगा, आपको लार्ज दिखेगा साइज में यहाँ पे। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब देखो इतनी सी ही चीज इल्यूमिनेट होनी चाहिए, बिकॉज यही इतना सा ही आपने होल किया हुआ है इस पे, है ना, यहां से लाइट जाएगी और यहां पे हमें क्या दिखना चाहिए, ये वाला सर्कल दिखना चाहिए यहाँ पे होल, है ना। पर देखो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे आ रही है लाइट इधर, ठीक है। अब ये यहाँ पे है सर्कल सिर्फ किया हुआ हमने, और ये बाकी पोर्शन कैसा है, ये सारा का सारा क्या है, इसकी तो शेडो शेडो पड़ेगी, शेडो रीजन है ये वाला। देखो ये जितना भी है ये क्या है, शेडो रीजन है ना, सिंपल। यहां से इल्यूमिनेट हो रही है लाइट और यहां पे पड़ेगी, और बाकी कैसा है, शेडो रीजन है। तो देखो हुआ क्या, जैसे लाइट रेज यहां पहुंची, देखो जैसे यहां पहुंची लाइट, ठीक है। अब देखो यहां से ये शार्प कॉर्नर है इसके, है ना, इस होल के जो शार्प कॉर्नर्स हैं, यहां से लाइट क्या हो जाएगी, लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो शार्प कॉर्नर से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, किस तरफ को, जो भी आपके पास शेडो रीजन है। तो देखो अब शेडो रीजन कहाँ पे है, ये वाला है शेडो रीजन, ये शेडो रीजन है पूरा का पूरा, है ना। इस पूरे बाकी इसकी शेडो तो यहाँ पे पड़नी है, तो शेडो रीजन की तरफ को क्या हो जाती है, वो बैंड। तो इस तरह से ये बैंड हो जाएगी इस तरफ को, और यहाँ पर भी होगा जब लाइट रेज यहाँ पे पहुंचेंगी, है ना। तो इस वाले शार्प कॉर्नर से जो लाइट है वो बैंड हो जाएगी, और बैंड किस तरफ को होती है, जो क्या है आपके पास, शेडो रीजन है। तो शेडो देखो ये वाली है, शेडो रीजन इस तरफ ये वाला है, तो शेडो रीजन की तरफ को बैंड हो जाएगी इस तरह से। इसलिए ये जो होल है ये कैसा दिखता है आपको, लार्ज दिखता है साइज में, ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये आपको चीज अंडरस्टैंड हुई, है ना। यहाँ पे लाइट रेज आई, ये वाला शेडो रीजन था, आप देखो तो लाइट क्या हो जाएगी, शेडो रीजन की तरफ, देखो शेडो रीजन की तरफ को क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, यहां से भी शेडो रीजन की तरफ बैंड हो जाएगी कॉर्नर से, और ये आपको बड़ा दिखेगा साइज में, है ना। ये देखो ये सेम ही केस है ना, ये वाला देखो जो हमने यहाँ पे किया अभी, है ना। इसको मान लो कि आपके पास ये क्या है, एक होल है, तो होल किया, और यहां पर ये जो आपके पास शेडो रीजन, इसका ये वाला शेडो रीजन था, इसकी शेडो यहां बन रही थी, वैसे ही इसकी शेडो कहां बन रही है, यहां बन रही है, ये शेडो रीजन है ना। तो जो लाइट बैंड हुई कॉर्नर से, वो किसकी तरफ को बैंड होगी, शेडो रीजन की तरफ को, यहां पर भी किस तरफ को बैंड हुई, शेडो रीजन की तरफ को। तो देखो ये वाला जो होल है ये कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा आपको, ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर होगी आपको ये वाली चीज, है ना। और देखो एक और चीज देखिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पे इस तरह से इसके अराउंड यहां पे क्या हुई, फ्रिंजेस मिली, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इस होल के अराउंड ऐसे दिखती हैं, ठीक है। ठीके? उन्हें हम कहते हैं डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस, ठीक है। जैसे इंटरफेरेंस में देखा था हमने, इंटरफेरेंस से फ्रिंजेस हमें दिखी थी, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, है ना, उसी तरह से पैटर्न यहां पर भी मिलता है। बट फर्क सिर्फ इतना है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में क्या होता था, वहां पे जो भी आपके पास विड्थ थी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की, वो क्या थी, सेम रहती थी उसकी वैल्यू, है ना। पर इस वाले केस में क्या हो जाएंगी, वो जो भी आपके ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है वो क्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी उसकी विड्थ, क्लियर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, इसके साथ ही ये वाला टॉपिक देखो। अब आपको डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट तो आई थिंक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, है ना। अब देखो साइज ऑफ अपर्चर और स्लिट विड्थ ए फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रेक्शन। अब देखो ये किस तरह से वेरी करता है, मान लो ये जो आपके पास स्लिट है, इसकी जो ये वाली जो स्लिट विड्थ है, मान लो ये कितनी आपके पास ए है, इसे हम ए से अगर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो जो भी आपके पास, अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये स्लिट विड्थ जो है आपके पास, अगर ये क्या होगा आपके पास, देखो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा होगी, जो भी आपके पास वेव्स आ रही हैं, जो उनकी वेवलेंथ है, उनसे ये वाले जो डिस्टेंस है
स्लिट विड्थ जो हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू अगर वेवलेंथ से ज्यादा होगी, ए की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा होगी, तो जो आपके पास बेंडिंग होगी लाइट की, लाइट तो बेंड होगी, तो जो बेंडिंग है वो कैसी होगी, लेस होगी। जो बेंडिंग है वो कैसी होगी, लेस होगी इस केस में, इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्डा। और अगर आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो स्लिट विड्थ का, ठीक है, अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, लेस देन होगा लैम्डा से। जो आप वेवलेंथ जो लाइट की है, अगर उन वेवलेंथ से जो है ये वाला डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मीन्स ये स्लिट विड्थ की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू वेवलेंथ। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जो भी आपके पास डिफ्रेक्शन है, वो क्या होगी उस वाले केस में, ज्यादा होगी। मीन्स मोर बेंडिंग होगी इस केस में, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। उस केस में लाइट क्या करेगी, ज्यादा बेंड करेगी। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आपसे, क्लियर। तो देखो यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, इफ द साइज ऑफ द अपर्चर और स्लिट विड्थ ए जो है इज लार्ज कंपेयर टू, अगर ये बड़ी है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, जो भी वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ से ज्यादा है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग इज स्मॉल, तो जो आपके पास बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो क्या होगी, कम होगी। एंड इफ द साइज ऑफ द अपर्चर और स्लिट विड्थ ए इज स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ, अगर इसकी ये वाला जो साइज है ये कम होगा वेवलेंथ से ऑफ द वेव्स, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आज देखो हमने इंट्रोडक्शन से कर ली, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।